पिछली क्लासेस में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा, आज की हमारी क्लास फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है आज मैं आपको ये समझाऊंगा और फिर कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन जिसके अंदर सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होती है, उस रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। तो दो वर्ड्स इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है, एक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ दूसरा यूनिक इमेज इन द सेट बी, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट होना चाहिए और उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम एक फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सेट ए है आपका देखिए, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल्स लिखे रिलेशन के, ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सभी ए क्रॉस बी के सबसेट है, तो ये ए से बी में रिलेशन है। तो हमें इनको देखना है कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से जो है वो फंक्शन नहीं है। तो आप देखिए, ये जो रिलेशन आर वन है इसमें वन है और इसकी एक इमेज है, टू है इसकी भी एक इमेज है, लेकिन जो थ्री है सेट ए में वो इसमें प्रेजेंट नहीं, तो सेट ए के सभी एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, एक रिलेशन नहीं, रिलेशन है एक फंक्शन नहीं। R2 को देखिए, R2 में 1 है, 2 भी है और 3 भी, तो सेट A के सभी एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेजेस हैं, लेकिन जो एलिमेंट 1 है उसकी इमेज x भी है और उसकी इमेज y भी है, तो ये जो एलिमेंट 1 है इसकी एक यूनिक इमेज नहीं है, इसकी दो अलग अलग इमेजेस हैं, तो इसलिए ये भी एक फंक्शन नहीं है। अब आप आर थ्री पर आ जाए, ये जो रिलेशन आर थ्री हमने लिखा है इसमें वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, सभी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट है और हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, वन की भी एक ही इमेज है, टू की भी एक ही इमेज है और थ्री की भी एक ही इमेज है जेड, तो इसलिए ये जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। उसके बाद आप देखें आर फोर को, आर फोर में भी वन भी है, टू भी है, थ्री भी है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट है और अब देखते हैं इमेजेस, वन की एक ही इमेज है एक्स, टू की भी एक ही इमेज है एक्स और थ्री की भी एक ही इमेज है एक्स, तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। ये भी एक तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कोई रिलेशन फंक्शन कैसे है, ये किस तरह से चेक करेंगे हम कि कोई भी जो दिया हुआ रिलेशन है फंक्शन है या नहीं। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इतनी जो नॉलेज है वो आपको क्लास 11 में दे दी जाती है कि फंक्शन क्या है। इसके अलावा हमने फंक्शंस के बारे में फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सीखा क्लास 11 में, और हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सीखा था कि कोई भी दो फंक्शन का सम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक वन वन फंक्शन,
वन-वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और एक और इसका नाम है इंजेक्शन, शॉर्ट में इसको इंजेक्शन भी कह दिया जाता है। तो वन-वन फंक्शन कहें या इंजेक्टिव फंक्शन कहें या फिर एक इंजेक्शन कहें, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है। तो होता क्या है एक वन-वन फंक्शन, x1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, मतलब अगर कोई दो एलिमेंट x1 और x2 इस तरह के हैं कि उनकी इमेजेस fx1 और fx2 आपस में सेम है, तो उससे हमें ये पता चलना चाहिए कि वो दोनों एलिमेंट x1 और x2 भी सेम है, अलग अलग नहीं है। अगर कोई दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो दोनों एलिमेंट्स भी आपस में सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। तब हम कहते हैं ये जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन है। दूसरी तरह से इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है और उससे हमें यह पता लगे कि उन दोनों की इमेजेस fx1 और fx2 भी आपस में इक्वल नहीं है, तब हम ये कहते हैं कि यह फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज हमारा एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और fx जो है वो x2 के इक्वल है। तो अब इस फंक्शन में fx इक्वल टू x2 है, तो 1 की इमेज आप देखेंगे तो 1 है, 2 की इमेज आप निकालेंगे तो 4 है, 3 की इमेज निकालेंगे तो 9 है, 4 की इमेज आप देखेंगे तो 16 है। हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक अलग नेचुरल नंबर होता है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं है जिनमें नेचुरल नंबर तो अलग अलग हो लेकिन उनका जो स्क्वायर करके नंबर आए वो सेम आ जाए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट आपको नेचुरल नंबर के सेट में ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी इमेज इस फंक्शन के अंडर सेम आ जाए। एवरी एलिमेंट विल हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। तो इसके लिए जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन है। बट अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब इसमें अगर मैं आपको देख लेता हूं एफ एन जेड टू एन इंटीजर्स के सेट से लेकर के नेचुरल नंबर में, तो फंक्शन वही रखता हूं सेम fx इक्वल टू x2, और इस फंक्शन के अंडर में डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेजेस निकाल के देखता हूँ। तो -1 की इमेज अगर मैं देखूँ तो -1 की इमेज 1 आती है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 की जो इमेज है वो भी 1 आती है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसी तरह से -2 का स्क्वायर 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है। तो हमारे पास पेयर वाइज ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो एलिमेंट्स खुद तो इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस सेम आ रही हैं। तो ये जो फंक्शन है वो एक वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब एक ऐसा फंक्शन है जो एक वन वन फंक्शन नहीं है तो फिर उसका क्या नाम होता है, उसे हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो ये जो दूसरा है z2n, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैनी वन फंक्शन, ये एक मैनी वन फंक्शन का उदाहरण है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है और एक मैनी वन फंक्शन क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का फंक्शन जिसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन।
एक सब्जेक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन एक ही बात है। एक ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव फंक्शन, और शॉर्ट में इसको एक सब्जेक्शन भी कह दिया जाता है। तो व्हाट इज अ सब्जेक्शन, एक सब्जेक्शन क्या होता है? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई एक फंक्शन है, सेट ए से सेट बी में, और इस तरह का है ये कि जो सेट बी है उसमें जितने भी एलिमेंट्स वाई हैं उन सभी वाई की कम से कम एक प्री इमेज एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए सेट ए में, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सेट बी है उसमें जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक एलिमेंट एक्स ऐसा होना चाहिए सेट ए में, सच दैट एक्स की इमेज वाई हो, एफ एक्स वाई हो, हर वाई के करस्पॉन्डिंग कम से कम एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए सेट ए में। तो इसका मतलब है सेट वाई सेट बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी एंगेज होने चाहिए। अगर सेट बी के सभी एलिमेंट इस फंक्शन में एंगेज हैं, सभी की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम उस फंक्शन को एक ऑन टू फंक्शन या एक सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर एक सब्जेक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आप कहें अगर एक फंक्शन इस तरह का है कि उसकी जो रेंज है वो उसकी कोड में इनके इक्वल हो, द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स कोड में, देन सच अ फंक्शन इज नोन एज एन ऑन टू फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोड में सेम होती है तो उस फंक्शन को हम एक ऑन टू फंक्शन कहते हैं। चलिए अब हम इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आपको यह पता चलेगा कि इस टॉपिक पर आए प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखित रूप में दे। एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइंड है और एफ एक्स है ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स के इक्वल है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के विषय में हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है किसी भी एक्स के लिए जो उसकी इमेज प्रोवाइड करता है उस एक्स से स्मॉलर बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। सपोज आपने 1.5 रखा तो 1.5 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, वन है, माइनस वन है, जीरो है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, नेगेटिव वाले सभी इंटीजर 1.5 के कंपैरिजन में छोटे, तो उनमें सबसे बड़ा वन वन जीरो माइनस वन इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर वन, तो 1.5 की इमेज आपको वन मिलेगी। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो एक वन वन और वन टू फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम एफ ऑफ 1.5 निकालें तो वो बन जाती है, अगर हम एफ ऑफ 1.8 फाइंड आउट करें तो भी बन आता है। इनफैक्ट 1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 1 उन सभी की जो इमेज है वो इस फंक्शन में बन आती है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो गए, हमें सिर्फ दो एग्जांपल देने हैं जिनके लिए
दो एलिमेंट एक्स की वैल्यूज अलग अलग है लेकिन एफ एक्स की वैल्यू सेम आ रही है। ये जो फंक्शन है वो 1:1 फंक्शन नहीं है क्योंकि 1.5 1.8 के इक्वल नहीं है, लेकिन 1.5 की जो इमेज है और 1.8 की जो इमेज है वो दोनों सेम है। टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर हैविंग सेम इमेज, इसलिए ये जो फंक्शन है वो एक 1:1 फंक्शन नहीं है। अब आप बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन में हमें इसकी रेंज निकालनी होगी। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें हर एलिमेंट की इमेज एक इंटीजर आती है जो या तो उस एक्स के इक्वल है या फिर उससे छोटा बट सबसे बड़ा इंटीजर है, यानी कि इमेजेस जो हमें मिलती हैं वो इंटीजर्स हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। इसकी रेंज तो जेड है लेकिन ये फंक्शन आर से आर में है, तो इसकी जो कोडोमेन है वो ये आर है। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेट बी होता है वो फंक्शन एफ की कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है इस फंक्शन की वो आर है। जो रेंज है वो जेड और जो कोडोमेन है वो आर। तो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन, एक सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन को 1:1 और ऑन टू किस तरह से चेक किया जाए। इंटीजर से इंटीजर्स में डिफाइन है और एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका आंसर नो में है, जब आप कह रहे हैं कि ये फंक्शन 1:1 नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है। जब आप कह रहे हैं कि हाँ ये फंक्शन 1:1 है, तो आपको आर्बिट्री एलिमेंट लेकर के प्रूव करना होगा। यहाँ पर आपको फंक्शन की डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देखना था जिसमें एक्स की दो अलग अलग वैल्यू लेने पर उनका स्क्वायर जो है वो सेम आ जाता है। तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 और -1 ली। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 रहता है, ठीक है। तो हमने ये इमेजेस फाइंड आउट करके दिखाई, एक्स वन और एक्स टू आपस में इक्वल नहीं है लेकिन एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आपस में इक्वल आ गए। तो यानी कि ये जो आपका फंक्शन है वह एक 1:1 फंक्शन नहीं है। अब हम इसकी रेंज फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर आपकी रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी तो ये फंक्शन ऑन टू होगा, अगर नहीं तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब आप देखते हैं कि इस फंक्शन में अगर हम एक्स एक्स को वाई के इक्वल रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स हमारा रियल नंबर्स का सेट है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, तो इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होंगे,
तो अगर एक नेगेटिव नंबर ले लूं, लेट x इक्वल्स टू माइनस टू, तो y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ माइनस टू, यानी कि जो y है वो इंटीजर्स की सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और इमेजिनरी नंबर सेट को बिलोंग नहीं करते। यानी कि जब आप y की x की वैल्यू माइनस टू ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। यानी कि जो माइनस टू है आपकी को डोमेन में, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी फ्री इमेज आपकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि जो आपकी को डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। तो जो आपका ये फंक्शन है वह एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये एक ऑन टू फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं। तो हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जिनमें फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं था, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा। ए से बी में डिफाइन है, ए है सेट आर रियल नंबर्स माइनस थ्री ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट द एलिमेंट थ्री, और बी जो सेट है वो है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट द रियल नंबर वन। और फंक्शन की डेफिनेशन हमें दी हुई है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। इसमें आप जब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देकर के देखते हैं तो हर एक के लिए एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेने के बाद भी जब आपको एक्स की दो ऐसी वैल्यू नहीं मिलती है जिनके लिए अलग सेम आ रहा है, तो फिर आपको लगता है कि ये फंक्शन वन वन है। तो उसको किस तरह से शो करेंगे कि ये फंक्शन वन वन है? मान लिया हमने एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग टू ए सच दैट देयर इमेजेस एक्स वन एंड एक्स टू आर इक्वल। हम दो एलिमेंट एक्स वन और एक्स टू ऐसे लेकर के चलेंगे सेट ए में जिनकी इमेजेस इक्वल है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल। अब आप एक्स वन निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मतलब ये हुआ कि आप एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के चलते हैं और उसकी हेल्प से आप ये शो कर पाने में सफल हो जाते हैं कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल है। जब भी आप ये शो कर देंगे कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से आप ये प्रूव कर पा रहे हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू है,
तो ये फंक्शन जो है वन वन फंक्शन प्रूव हो जाएगा। आपको आर्बिट्री वैल्यूज लेकर के ये चीज शो करनी है, एक्स वन और एक्स टू आर नॉट एनी पर्टिकुलर वैल्यूज, ये कोई आर्बिट्री वैल्यूज है और उनको लेकर के हमने ये शिफ्ट कर दिया तो ये फंक्शन एक वन वन फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। अब हम इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन प्रूव करेंगे। फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें इसकी रेंज निकालनी होगी और रेंज को शो करना होगा कि वो कोड में यानी कि सेट बी यानी कि रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन के इक्वल है। तो लेट अस फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस 3 y अपॉन 1 माइनस y, एफ एक्स को y के इक्वल रखा आपने और वहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y की टर्म्स में हमने फाइंड आउट की। अब हमें ये देखना है ये जो x है वो y की किन रियल वैल्यूज के लिए एक रियल नंबर आता है। तो अगर आप देखें ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन कब रियल नंबर होता है, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना हो। यानी कि y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, y 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी रेंज फंक्शन की क्या हुई, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। यानी कि सेट b आ गई यानी कि फोर डोमेन ऑफ f आ गई। तो रेंज ऑफ f आपने शो कर दिया कि फोर डोमेन ऑफ f के इक्वल है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन। जब भी आपको एक फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो आप एफ एक्स को वाई के ऊपर रखेंगे और वहां से उस फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करेंगे, फिर उस रेंज को उस फंक्शन की कोडोमेन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ जाती है तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। जब एक फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, एक फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसे एक बाइजेक्शन कहा जाता है या बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होता है, ऐसे फंक्शन को हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर एक बाइजेक्शन कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और हर बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये मैंने कुछ आपको फंक्शन के बारे में बताया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।